सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एमएस धोनी सर जी को, जो कि मैंने इनकी आउटलाइन ट्यूटोरियल पहले डाल दी है, बट इन ऐसी फोटो की नहीं, नेक्स्ट फोटो की डाली थी, जो कि फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो अगर आपको आउटलाइन ट्यूटोरियल देखना है तो आप जा करके देख सकते हैं। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कमीशन वर्क आया था, जो कि मेरे भैया के दोस्त की तरफ से आया था, क्योंकि उन्हें अपनी दीदी को बर्थडे में ये गिफ्ट करना है, तो उन्होंने बनवाया था। तो मैं कैसे बना रहा हूँ वो आप देखिए। और मैं इसमें शेडिंग करने जा रहा हूँ, तो शेडिंग के लिए मैं इसी पेंसिल का यूज़ करूँगा, और बाकी थोड़ा बहुत डार्क करने के लिए 8B और 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो वैरायटी टॉम्स की थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है, बट और वो दुकान पर भी नहीं मिल रही है, तो वहाँ से नहीं खरीद पाया। और स्केच जल्दी ही चाहिए था, तो मैंने इसी पेंसिल से ड्रॉ किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आइस से शुरू कर रहे हैं, तो आइस की हम अंदर के पार्ट को डार्क कर लेंगे इसी पेंसिल से। और ये पहले डार्क ही चलानी है, अगर जहाँ पर जहाँ डार्क है तो हार्ड पेंसिल की मदद से ही पेंसिल को चलाना है। और मैं सी पेंसिल से फुल पार्ट में शेडिंग करूंगा, और थोड़ा बहुत और डार्क चाहिए पड़ेगा तो हम 4B पेंसिल का भी यूज़ कर लेंगे। मेरे पास HB और 2B पेंसिल नहीं है, क्योंकि डॉम्स की पेंसिलें ख़त्म हो चुकी थी और शॉप पर भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम अभी इसी पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देखिए। मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद हम ब्लेंड करेंगे मेकअप ब्रश से। तो पहले हम जो ब्रश में हमारी ग्रेफाइट लगी हुई है, क्योंकि हम 10B पेंसिल से करते हैं तो ग्रेफाइट उस पर लग जाती है, तो जहाँ डार्कनेस हो जाएगा, तो हम उसको ब्लेंड करेंगे, तो हमारा फेस थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो हम पेज पर बिल्कुल अच्छे से ब्रश को बिल्कुल साफ कर लेंगे, और फिर हम फेस के ऊपर ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हम कर देंगे इरेजर से जो हाईलाइट दी हुई है वहाँ पर हम हाईलाइट कर देंगे इरेजर से। और ये 25 रुपये की डॉम्स कंपनी की ही इरेजर है, तो आपके पास की शॉप पर भी ये अवेलेबल होगी। और अगर आप अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो आप अमेजोन पर सर्च करके आप इसको मंगा सकते हैं।
थोड़ा डार्क कर देंगे ईटवी पेंसिल से, क्योंकि ये ज़्यादा डार्कनेस है। और जो बियर्ड के बगल में थोड़ा बहुत गैप किया हुआ है, तो वहाँ पर हमें स्ट्रोक लगाती जानी है कर्व लाइन की तरह। तो स्ट्रोक मैं कैसे लगा रहा हूँ वो आप देखिए। और अब हम नेक में सेटिंग करेंगे। तो पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल से कर ले रहा हूँ, जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर थोड़ा सा हार्ड प्रेशर की मदद से, और जहाँ पर लाइटनेस है वहाँ पर हमें गैप देते ही देना है। अभी हम करेंगे क्लोथ्स में शेडिंग। तो क्लोथ थोड़ा बहुत लाइटली है, तो हमें सिर्फ जो स्ट्रोक डार्कली दिखाई दे रही है वहाँ वहीं पर लगाना है, और बाकी हम इरेजर से इरेज कर देंगे, क्योंकि क्लोथ्स बिल्कुल ही लाइटली है तो वो हाईलाइट ज़्यादा ही है, तो हम इरेजर से इरेज कर देंगे। और जो डार्कनेस है बस हमें वही ड्रॉ करना है। Thank you.
अब हम शील्ड में करेंगे शेडिंग। तो जहाँ पर ज्यादा डार्कनेस है वहाँ पर हम मैकेनिकल पेंसिल का हार्ड प्रेशर की मदद से यूज करेंगे, और जहाँ पर थोड़ा बहुत लाइटली है वहाँ पर हम थोड़ी बहुत मीडियम प्रेशर की मदद से शेडिंग करेंगे। बट हमें शेडिंग डार्क ही करनी है, क्योंकि जो इसको ट्रॉफी है वो थोड़ी बहुत डार्क ही है। जो बगल में क्लोथ्स लगे हुए हैं उस पर रस्सियाँ लगी हुई हैं, और ट्रॉफी उतनी रियलिस्टिक तो नहीं बन पाएगी। बट अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर से बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल शेडिंग कर लेने के बाद अब हम करेंगे हाईलाइट इरेजर की मदद से। फाइनली हमारा कमीशन वर्क कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।